नमस्कार, मैं शहरोज कमर झारखंड की अपडेट लेकर हाजिर हूं। साथियों, 800 से तो बात बन गई है, बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। आसू जहां 12 पर अड़ा हुआ था, अड़ी हुई थी आसू पार्टी, अब उसके सुप्रीमो सुदेश महतो मान गए हैं 10 सीटों पर। हमने पिछले वीडियो में भी आपको जानकारी दी थी, पहले 9 लॉक किया था, फिर बताया था कि हेमंता ने भी यही कहा कि 9 या 10, 10 या 9, आगे पीछे हो सकती है सीटें। तो 10 सीटें कंफर्म हो गई कि कहां कहां से आसू के उम्मीदवार लड़ेंगे। हालांकि उसमें टुंडी नहीं है, टुंडी भी चाहते थे, और बड़का गांव भी नहीं है, लेकिन बड़का गांव का एक उपाय ढूंढ लिया गया है। टुंडी का उपाय नहीं ढूंढा जा सका, लेकिन बड़का गांव का उपाय ढूंढ लिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि कहां कहां से बात बन गई है, आसू अपना प्रत्याशी एनडीए फोल्डर से उतारेगा। 10 सीटें मिली हैं उसे। सिल्ली परंपरागत सीट है उनकी, सुदेश महतो की, वहीं से ताल ठोकेंगे। उसके बाद ईचागढ़, मनोहरपुर, जुगसलाई, मांडू, रामगढ़, गोमिया, डुमरी, पाकुड़ और लोहरदगा। वही डुमरी जहां से टाइगर जयराम महतो मैदान में उतर चुके हैं, और मांडू की दोस्तों वो सीट है जहां से मांग रहे थे खीरू महतो, जदयू के झारखंड अध्यक्ष, कि हमें मांडू भी चाहिए, लेकिन मांडू तब उनके हाथ से फिसल गई, निकल गई, अब क्या करेंगे। और सिल्ली के बारे में बता दिया, ईचागढ़ बता दिया। चंदन क्यारी चाहती थी आसू, लेकिन नहीं मिल पाई। हाँ, बड़का गांव, देखिए बड़का गांव सीट इसलिए अटकी हुई थी दोस्तों कि बड़ा प्रयास था कि अंबा प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, लेकिन दरअसल भाजपा का ही एक गुट तो चाहता है कि अंबा प्रसाद आए, दूसरा गुट नहीं चाहता है। अब तक की जो खबर यह है कि आसू से वहां से जो रोशन लाल चौधरी, वो चाहते थे टिकट, आसू भी चाहती थी, लेकिन उसका उपाय यह ढूंढा गया है कि वह कमल के सिंबल पर यानी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। यानी कि प्रत्याशी बसपा के आसू का ही है, आसू का ही प्रत्याशी, लेकिन सिंबल हो भाजपा का। रोशन लाल चौधरी जो है, चंद्रप्रकाश चौधरी जो गिरिडीह से सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, किनके? आसू के। अब देखिए फिर परिवारवाद, मैं बार बार कहता हूं कि हर जगह परिवारवाद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवारवाद दिखता नहीं। चंद्रप्रकाश चौधरी के भाई हैं, इनको टिकट बड़का गांव से मिलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी से। अब सबसे बड़ा पेज जो फंसा हुआ है दोस्तों वो है जदयू। देखिए पहले बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो ये है कि 68 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, 10 सीट पर आसू, 2 सीट पर जदयू। जदयू को 2 सीट ही भाजपा की ओर से अब तक फाइनल है, जिन्हें पश्चिमी जमशेदपुर सरयू राय वाली और तमाड़ सीट राजा पीटर वाली। 80 सीट हो गए टोटल, 81 विधानसभा सीट है झारखंड में, अब एक सीट बच जाती है। एक सीट पर कहा जा रहा है कि बात बनी है लोजपा को दी जाएगी, लोजपा रामविलास पासवान गुट यानी कि चिराग पासवान को। हालांकि उनकी ओर से कोई बयान अभी आया नहीं है, घोषित तौर से ये भाजपा ने भी अभी ऐलान नहीं किया है, लेकिन लगभग जो सूची अंतिम दौर तक पहुंची है, अब मोहर लगी है, जैसी खबरें मिली हैं दिल्ली से वो ये। अब पिछले दिनों जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रांची में, तब भी बताया था, और तब उनसे पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था कि यही जदयू को 2 सीट। और जब यही सवाल पूछा जाता है खीरू महतो से, जो जदयू के झारखंड अध्यक्ष है, बड़ा गुस्सा हो गए, तपाक में बोले हेमंता बिस्वा जी को क्या आता है, उनको कुछ जानकारी नहीं रहती, उनको कुछ पता नहीं है, उनको पता ही नहीं है, कुछ भी बयान देते रहते हैं। बोले कि हमारी बात है, 11 सीट पर बात थी हमारी,
बहुत पहले से हम देख चुके हैं, हमारा दावा है। और दो सीट और बढ़ा दिया उन्होंने, 13 सीट यानी के सरजू राय वाली या राजे पिटर वाली की, ये लोग बाद में आए, बोले सूची हमने पहले पकड़ा दी थी। तो राज जो है बरकरार है एनडीए में जदयू के मार्फत, और ये राज जो कब प्यार में बदलेगा और ये देखने की बात होगी। मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ 2 सीट पर मान जाएगी, अगर नहीं मानेगी तो फिर अपने कोटे की जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी को वो देना पड़ेगा। अब मांडू सीट तो चली गई, मांडू जिद पड़े हुए थे मांडू से, जब अपने साहबजादे को चाहते थे खीरू में, तो वो तो आंसू के कोटे में गई। अब कहां से क्या हुसैनाबाद से लड़ेगी जदयू? अब 2 सीट तो बता दिया आपको, तमाड़ पश्चिमी जमशेदपुर, और 1 सीट हो जाती है छतरपुर सुधा चौधरी वाली। सुधा चौधरी जो मंत्री भी रही है, जदयू के लीडर हैं, इनके भाई बिहार में आरजेडी के लीडर हैं उदय नारायण चौधरी, स्पीकर भी रहे हैं वहां, उनकी छोटी बहन सुधा चौधरी, उनके लिए जदयू चाहती है सीट। तो मेरा मानना है कि 3 सीट की और 1 हो सकता है कि हुसैनाबाद, 4 सीट से कम पर नहीं मानेगी जदयू, अड़ी हुई है। 11-12 तो भाजपा देने नहीं जा रही, ये तो तय, क्योंकि मामला फंसा हुआ है केंद्र की सरकार का, बैसाखी के सहारे मोदी जी की सरकार चल रही। अगर जदयू अपनी बैसाखी खींच लेती है तो फिर क्या होगा? आजकल तो प्रेशर पॉलिटिक्स चलती है, हालांकि सांसद की संख्या तो उतनी है नहीं, जदयू की 12 ही सांसद, लेकिन 12 भी कम नहीं होते। तिनके जोड़कर घर बनते हैं, वैसी आजकल सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार है, ऐसे ही चलती हैं, और ऐसी प्रेशर पॉलिटिक्स होती है इसमें। और एक बात और, उन्होंने क्या कहा खीरू महतो ने, कि सुनी सुनाई बातें कहते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उनको कुछ पता नहीं। और उधर पटना में अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बड़ा करीबी है, उन्होंने पलटवार किया है कि जब तक सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, लड़ेंगे एनडीए से ही लेकिन सम्मानजनक सीटें चाहिए। यही बात दूसरे सीनियर लीडर जदयू के विजय चौधरी भी कहते हैं कि सम्मानजनक सीटें चाहिए, कोई भी रदावास नहीं है, ये बातें भी कहते हैं, लेकिन कहते हैं अभी फाइनल बातचीत नहीं हुई है। अब ये दोनों जाने, या अगर कोई ऊपर बैठा हुआ ईश्वर है, रब है, खुदा है, वो जाने कौन सही बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये कह रहे हैं या वो कह रहे हैं। विजय चौधरी कहते हैं कोई विरोधाभास नहीं, कैसे विरोधाभास नहीं है? हेमंता जी कहते हैं कि 2 सीटें, और आप कह रहे हैं 11 सीटें। खीरू महतो जी और बढ़ा देते हैं 2 और 13 सीटें, और कहते हैं कि हम तो मानेंगे नहीं, सम्मानजनक सीटें चाहिए, उतना पर तो नहीं, मुझे लगता है कि 4 सीट पर मान जाए। लेकिन ये 4 सीट, अब ये 3 तो मैंने बता दिया, अब चौथी कौन सी होगी? संभावना है कि हुसैनाबाद हो या कोई और सीट पलामू की हो सकती है, क्योंकि पलामू बिहार से लगा हुआ है, जदयू राजाधीन सबका प्रभाव क्षेत्र है उधर। हालांकि खीरू महतो चाहते हैं कि कुड़मी समुदाय पर हमारी भी पकड़ मजबूत है, और बड़ा हॉट किक तो बना हुआ है कुड़मी समुदाय, और खेल बिगाड़ दिया आकर टाइगर जयराम महतो ने, जो युवाओं की भीड़ बकटूट जैसे टूट पड़ती है, उनके साथ काफिला चलता है। खैर चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए।